दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है गैलेक्सी A15 5G एंड OnePlus Nord Series 3 Lite 5G और इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बनाने का। हमारा यही मकसद है कि दोनों का जो प्राइस है वह आपको ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन से। बात करें गैलेक्सी A15 5G की तो दोस्तों इसमें आपको डायमेंसिटी 6100 प्लस ऑक्टा कोर CPU मिलता है, माली G57 इसमें आपको GPU मिल जाता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ One UI 6.0 पर रन करता है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो यह फ़ोन हमारे पास 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन है। इसका प्राइस आपको 19,000 रुपये देखने को मिल जाता है। अब बात करें OnePlus Nord Series 3 Lite 5G की तो इसमें आपको Snapdragon 695 octa core CPU मिलता है। यहाँ आपको Adreno 619 GPU मिल जाता है। यह फ़ोन Android 13 के साथ Oxygen OS पर रन करता है। इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज मिलता है। यहाँ भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो यह फ़ोन आपको 19,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अब हम करेंगे एक छोटा सा रिबूट टेस्ट और रिबूट टेस्ट में देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। दोस्तों ये था दोनों फोन का रिबूट टेस्ट। अगर रिबूट टेस्ट की बात करें तो रिबूट टेस्ट में आपको गैलेक्सी A15 5G थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord Series 3 Lite 5G। अब हम करेंगे दोनों फोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और इस टेस्ट के जरिए हम आपको बताएंगे एक इन दोनों फोन में से आपको किस फोन की स्पीड परफॉर्मेंस फास्ट देखने को मिलती है। दोस्तों यह दोनों फोन की अगर स्पीड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको OnePlus Nord Series 3 Lite 5G थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A15 5G, क्योंकि OnePlus के फ़ोन में जो आपको हार्डवेयर मिलता है वह गैलेक्सी A15 5G के हार्डवेयर से थोड़ा सा फास्ट हार्डवेयर है, इसीलिए इसकी स्पीड परफॉर्मेंस आपको थोड़ी फास्ट देखने को मिली है। अब हम करेंगे दोनों फोन के बीच एक छोटा सा रैम मैनेजमेंट टेस्ट और यहाँ देखते हैं किस फोन का रैम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है।
अब यहाँ दोनों फोन के रैम मैनेजमेंट की बात की जाए तो रैम मैनेजमेंट के मामले में आपको गैलेक्सी A15 5G बेहतर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord CE3 Lite 5G। तो दोस्तों ये था गैलेक्सी A15 5G एंड OnePlus Nord CE3 Lite 5G के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। यहाँ स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें तो उस मामले में आपको OnePlus का फ़ोन अच्छा देखने को मिलता है, वहीं रैम मैनेजमेंट के मामले में आपको गैलेक्सी A15 5G थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।